हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी जरूर बताइएगा। तो आज मैंने बहुत ही पुराना सूट रखा हुआ है था, इसको पहना है। ये थोड़ा सा टाइट हो गया है, मुझे लग रहा है मेरा वेट बढ़ रहा है। इस समय इतना योगा करते हुए भी वेट बढ़ रहा है, तो आप सोच सकते हो। मैं सीरियस नहीं हो रही हूँ, मैं वॉक करना चाहती हूँ। आप लोगों को बताऊँ, मैं वॉक करना चाहती हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। डर लगता है मुझे अकेले जाने में। पहले मेरी एक फ्रेंड थी जिनके साथ वॉक करती थी मैं, लेकिन आजकल कोई मिल नहीं रहा है। ऐसा कोई साथ दे तो मैं डेली वॉक कर सकूं। सुबह उठ के उठ जाती हूँ, रोज मैं 4 से 5 के बीच में उठ जाती हूँ, लेकिन बस डर लगता है अकेले अंधेरे में जाने में। तो कोई साथ होता ना, काश तो मैं डेली वॉक कर पाती। और वॉक बहुत जरूरी है, मैं क्या बताऊं। मैं कल से ट्राई करूंगी, कल से कोशिश करूंगी, जरूर मैं नीचे जाऊं, भले डर लगे। आप लोग तो हो ना, कैमरा जब कहीं डर लगे तो वहां कैमरा देख उधर करूंगी, आप लोग देखना। तो कोशिश यही रहेगी, कल से मैं वॉक पे जरूर जाऊं। उठ जाती हूँ, क्या फायदा, इतना सुबह उठ जाती हूँ, फिर थोड़ा बहुत योगा वगैरह हल्का फुल्का करती हूँ, तो उसमें वो चीज नहीं हो पाती। वॉक बहुत जरूरी है, तो कल से कोशिश है कि वॉक में शुरू करूं। तो चलिए मैं निकलती हूँ योगा के लिए, अभी फटाफट निकलती हूँ और कल से मुझे वॉक करना है। पक्का पक्का सुबह मुझे यहीं पे वॉक करना है नीचे, लेकिन करना जरूर है। चलो मिलती हूँ वो योगा के बाद। देख रहे हो बैठ के, यहाँ मैं योगा से सीधा आ गई हूँ यूनाइटेड। और कुछ लेना है? लाई चाहिए, लाई चाहिए, लाई लाई मुरमुरे। और वो एक आलू भुजिया दे दीजिए, छोटे छोटा पैकेट दीजिए, एक ये वाली भुजिया दोनों ही, ठीक है। एक मूंगफली, कच्ची मूंगफली, एक कोटेड वाली आती है, बेसन वाली, एक कोटेड नहीं, वो इसमें तेल भी लगी, इतना छोटा सा मखाना का एक पैकेट। तो मैं सामान ले लेती हूँ, बिल करा लेती हूँ, चलते हैं घर। तो वहां से आ गई मैं, सामान लेके आ गई। ये देखो डाइनिंग टेबल पर भी डाल दिया है, उसमें इसमें कुछ हमारे डिब्बों में डालने हैं जो स्नैक्स हैं। ऐसे ही कुछ नमकीन है, चने ले आई हूँ, भुने हुए चने हैं, मूंगफली कच्ची ले आई हूँ जिसको हमें अभी इसको भुनना होगा। और ये नमकीन वगैरह है, ये सब डाल दूंगी। लेकिन इसमें कुछ ये मूढ़ी है और ये मखाना है, ये तो अभी रोस्ट करना होगा, रोस्ट करके डालूंगी। बिस्किट है, बिस्किट वगैरह इन डिब्बों में मैं डाल देती हूँ। और कपड़े बहुत सारे थे पीछे, वो फोल्ड किया। अब ये मैं चल रही हूँ सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, फिर ये सब सामान डिब्बों में डालती हूँ। आज क्योंकि आटा ख़त्म है तो आटा पिसवा के अभी लेते हुए आई हूँ। इतना वो गर्म है, अभी इसको रख दिया है अभी ठंडा होने के लिए। ये ठंडा हो जाएगा फिर डालेंगे, क्योंकि टंकी अभी धुली हुई है इधर। अब टंकी सूख जाएगी, सुबह ही डालूंगी, तब तक वो ठंडा भी हो जाएगा। उसका मुंह खोल के मैंने आटे का छोड़ दिया है जिससे कि ठंडा हो जाए। और यहाँ पे हमने सब्जी काट लिया है, ये देखिए, ये है लहसुन, अदरक, मिर्च, प्याज, टमाटर, आलू और गोभी। तो ये मैं अभी बना दूंगी। मैंने सुबह के लिए भी ये गाजर, शिमला मिर्च ये सब रख लिया है, जो सुबह टिफिन जिससे कि आसान हो जाए बनाना। तो इसलिए गाजर, शिमला मिर्च और ये बीन्स, ये सारा कुछ मिक्स जो है सुबह बना लेंगे टिफिन के लिए। तो अभी आलू गोभी बना लेती हूँ, चल रही हूँ फटाफट, थोड़ा सा ही बनाना है बच्चों भर का, और सब सुबह के लिए रख दूंगी ऐसे कैसे जिससे कि टिफिन बन जाए फटाफट। मैं शाम को ही तैयारी कर लेती हूँ सुबह टिफिन की, क्योंकि कई बार नींद न खुले, देर से खुले, तो उससे क्या होता है कि आसान हो जाता है अपना करना। तो योगा जाने से पहले मैं इतनी चीजें तैयारी करके गई थी इधर, देखिए ये देखिए, यहाँ दाल बना दिया था, और ये है ओट्स, मीठे वाले ओट्स बना दिए थे। मैं भूख लगी हो तो खा लेंगे, और उन्होंने खा भी लिया है। वो बीच में उनको भूख लगती है, ऐसे नहीं खाते, इकट्ठा उनसे खाया ही नहीं जाता, और थोड़ा थोड़ा चाहिए उन्हें कई बार।
एक साथ उससे खाया नहीं जाता है। अगर मैं दो रोटी रख दूंगी तो एक खाएगा, एक कहेगा थोड़ी देर बाद खाऊंगा, तो वो थोड़ी देर बाद उसको फिर भूख लगती है, इसलिए उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा करके रखती रहती हूँ जिससे दिन में खा ले वो। तो मैं आइए बना लेती हूँ आलू गोभी। शुरू करते हैं, इसमें डालते हैं थोड़ा ऑयल। सबसे पहले थोड़ा सा जीरा डाल देती हूँ, लहसुन अदरक मिर्च डाल देते हैं, प्याज डाल दिया, हल्दी, सब्जी मसाला, धनिया, मिर्च और नमक सब कुछ डाल के एक बार भून लेते हैं। बीच में जगह कर रही हूँ, बेल बना रही हूँ, उसमें मैं टमाटर डाल दूंगी और गैस को कम करके और इसको ढक दूंगी, अपने आप पक जाएगा। बस ऐसे ढक दिया और ये पकता रहेगा। सारी सब्जियां जब हमने काट ली हैं, ये सुबह टिफिन के लिए तैयारी अभी से कर लेती हूँ, इसलिए सुबह मेरा आसान हो जाता है, तो मैं ये फ्रिज में रख रही हूँ। अब ये सब्जी होने देते हैं, मैंने गैस को सिम कर दिया है। आलू भुजिया को क्या करती हूँ, जब मूढ़ी यानी लाई या मुरमुरे जो बोलते हैं आप, उसको जब भूनती हूँ उसी में मिलाती हूँ, नहीं तो ये बच्चे फिर वो नमकीन नमकीन खाते हैं, फिर लाई नहीं खाते, इसलिए। हो गया ये नमकीन हो गई, एक में मूंग दाल की हो गया, अब एक में चना भर देती हूँ। देखिए सब लाइन से भर गए, अब एक दो बचे हैं मखाना और मुरमुरे के लिए दो बचे हैं और सब में हमने ये देखिए भर दिया है। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था बेल बना के, बीच में टमाटर पड़ा है, किनारे किनारे सब्जी आलू गोभी। अब मैं मिला रही हूँ एकदम बढ़िया सूखी सब्जी। बस सब्जी हमारी बन गई है और यहाँ पे सारे डिब्बे हमने भर दिए हैं। तो चलते हैं, तो चलती हूँ मैं, अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और वीडियो एडिट करूंगी। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं अपन कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।